ये चाट है, ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा। आप भी खाइए मेरी तरफ से। अच्छा। नहीं, मुझे नहीं पसंद, और इस शॉप की मतलब चाट बहुत अच्छा लगता है। चाट खाइए बिल्कुल यहीं, इसलिए आते हैं। तो इसी उद्देश्य से आते हैं कि वहाँ जाएंगे तो चाट खाएंगे। बस चाट ही बस खाते हैं कि और कुछ नहीं? बस चाट। तो नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज स्पेशल वीकली डे शो में आज हम आए हैं जबलपुर के एक बहुत ही फेमस और चर्चित जगह, जिसको सदर, जो कि सदर में है, जिसका नाम है चौपाटी। चौपाटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी ये जगह ठंडी में चलती है, जितनी यहाँ की दुकानें जितना ठंडी में कमाती हैं, उससे कहीं ज़्यादा गर्मी में भी कमाती हैं। यदि आपको जबलपुर में कहीं भी जंक फूड और स्पेशल जंक फूड खाना है तो आप केवल और केवल सदर में स्थित चौपाटी में ही आएँ। तो आइए हम यहाँ के लोगों से और यहाँ के दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जगह इतनी चर्चित क्यों है और क्या खास बात है इस जगह की। जी नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है? आशीष पांडे। आशीष पांडे, तो पांडे जी से एक बात बताएं। जी। ठंडी में तो हमने देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है। जी जी जी। तो क्या रीज़न है कि ठंडी में तो ठीक है लेकिन गर्मी में इतनी भीड़ क्यों? गर्मी में तो इतनी ज़्यादा गर्मी में एक्चुअल में दिन में आदमी घर में रहता है, ठीक है, अपने काम में रहता है, व्यस्त रहता है, और गर्मी में कोई दिन में निकलना नहीं चाहता। जब शाम को मौसम ठंडा होता है तब फिर आदमी बाहर घूमने के लिए शाम को निकलता है और शाम को ही ज़्यादा ये क्राउड रहता है। तो जबलपुर की ये सबसे बड़ी चौपाटी है, और भी जगहें हैं चौपाटी? जबलपुर की ये अभी सबसे बड़ी चौपाटी, सबसे बड़ी चौपाटी है। तो ये इतनी फेमस क्यों है, क्या क्या रीज़न है यहाँ का फेमस? एक्चुअल में ये मिलिट्री एरिया है, ऑफिसर एरिया है भैया, तो शहर के हर जगह का व्यक्ति यहाँ पर आता है। नहीं तो फेमस होने का यहाँ का स्वाद है, यहाँ की जगह है, यहाँ का इन्वायरमेंट है, लोगों को पसंद आता है यहाँ का। क्या पसंद आता है? इन्वायरमेंट या स्वाद या यहाँ का सारी चीज़ें, यहाँ की सर्विसेज हो गई। अच्छा। और टेस्ट हो गया। अच्छा। और परमानेंट कस्टमर लोगों के बना हुआ है, परमानेंट है। अच्छा, कब से है दुकान ये? 45 ईयर्स हो गया। 45 साल से हो गए इसके? रेनोवेट हुए हो गया पाँच साल नॉमिनेट जब से ये बना हुआ है। अच्छा, ये 5 साल हो गए इसको। हाँ, नव निर्मित हुए। पहले पुराना था। तो आपकी दुकान यहीं पे थी 45 साल से? यहीं पे। अच्छा, तो इसका रेंट वगैरह कुछ देते हैं आप? हाँ, सरकारी जाता है रेंट। सरकारी रहता है? कितना रेंट भरना पड़ता है? 10,000 per month। 10,000 per month। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? हो गया, अब दाल रोटी चल जाती नहीं, है नहीं, फिर भी हमारे ग्राहकों को बताएं कितनी कमाई हो जाती है दिन हो गया 4-5 हज़ार समथिंग। 4-5 हज़ार। काका आपसे बात करेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा भास्कर पांडे। भास्कर पांडे, तो पांडे जी एक बात बताएं, ये दुकान की ओपनिंग कब से हुई आपकी? ये 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, भैया भी बता रहे थे 45 साल हो गए। नहीं 45 साल, ये नया बना हुआ 5 साल। अच्छा, नया बना हुआ है, मतलब नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसका, स्टेबलाइजिंग जो हुई है 45 साल पहले हुई है। तो 45 साल पहले जो धंधा था अभी भी वही धंधा है या 45? हाँ वही है धंधा, वही धंधा। तो क्योंकि अब रेट बढ़े हैं, सभी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, तो दाम में भी बढ़ोतरी हुई होगी, है ना? तो हम लोग पुराने रेट बेच रहा हूँ। अच्छा, कुछ रेट क्या क्या बनाते हैं? आलू टिक्की है, समोसे है, कचौड़ी है, पापड़ी चाट है। अच्छा। पानी पूरी है। अच्छा। तो दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? दिन भर क्या, हम लोग तो 4 बजे आते हैं सुबह शाम को। अच्छा। शाम को केवल 4 बजे? पूरा दिन बंद रहता है? पूरा बंद रहता है, कुछ लोग खोल लेते हैं। अच्छा, तो चौपाटी केवल शाम को ही खुलता है? ठंडी में भी यही रहता है? नहीं, ठंड में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, 12-1 बजे। 12-1 बजे आ जाते हैं। कॉलेज वगैरह का थोड़ा क्राउड रहता है? अच्छा, स्कूल कॉलेज वगैरह का क्राउड रहता है, बच्चे लोग सब आते हैं फिर इस वजह से, है ना? तो यहाँ ठंडी में ज़्यादा बिक्री होती है ना? ठंडी में ज़्यादा, ठंड में अच्छा रहता है, दिन में बढ़िया काम, दिन में बढ़िया काम, बढ़िया रहता है, तो आदमी शाम को निकलता है। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? अरे हो गए 3,500-3,000 रुपये। 3,500 रुपये, तो इसमें आपका कितना बचता है और कितना आप खर्चा हो जाता है? अरे बचता कुछ नहीं है, इतना है, दाल रोटी चल रही है हमारे लोगों की। नहीं फिर भी अनुमान है? अनुमान क्या है, अब गर्मी में उतना धंधा तो होता नहीं है। अच्छा, अब 2-3 घंटे में क्या कर लोगे आप? अच्छा, 2-3 घंटे केवल? कितने बजे सुबह? शाम को 4 बजे खोलते हैं? 4 बजे से 10:30 बजे बंद। रात को 10:30 बजे है ना जी? क्या बना रहे हैं अभी आप? मैं तो चाट बना रहा हूँ। चाट बना रहे हैं जी। अच्छा, ये कितने बजे दुकान खोलते हैं आप? मैं दुकान को लेट खोलता हूँ, 6:30-7 बजे करीब। शाम को केवल शाम को दुकान खोलते हैं? दिन में दुकान नहीं खुलती आपकी? तो दिन में क्यों नहीं खोलते हैं दुकान? मैं अकेला हूँ इसलिए अकेले काम नहीं होता। अच्छा, केवल आप अकेले दुकान चलाते हैं? कितने साल हो गए इसको? मेरे को तो हो गए 40 साल से ऊपर। 40 साल? 40 साल से दुकान चला। ये दुकान तो अभी 5 साल पहले बनी है चौपाटी, लेकिन मैं नवनिर्मित हुई है। इसके पहले बाहर लगाते थे हम लोग। 45 साल से आप चला रहे हैं? 71 के बाद से लगाई थे। अच्छा, 71 के बाद से चाट के ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या बनाते हैं आप?
आलू चाप है, समोसा है, कचौड़ी है, मिक्सर है, भेलपुरी, दही पूरी, सेव पूरी, दही बड़े, अच्छा सब मिलेगा आपको। दिन भर में कमाई कैसी चल रही है भैया? अब इस उम्र के हिसाब से जरा कमाई कम हो गई, पहले तो बहुत अच्छी। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर भैया? पेट भरने के लिए हो जाती है मेरे भाई। अभी कितनी अनुमान है? लगभग 800-900 रुपये हम कमा लेते हैं। 800-900 रुपये मतलब केवल बचत में या टोटल? बचत ही समझ लीजिए, 600-700 रुपए की बचत। अच्छा, ये आलू चाप है भैया जी? आलू चाप। आलू चाप क्या क्या डाला आपने इसमें? मैंने आलू चाप डाल के उसके ऊपर मटर डाला, मटर डाल के दही चटनी डाला है, नमक मिर्च जीरा मसाला डाला है, अच्छा। हरी चटनी डाला है, प्याज डाला है, सेव डाला है, पचकी फुलकी तोड़ के डाला है। आपने इतना सारा कुछ सामान डाला तो इसका क्या रेट बनाते हैं? ये सिर्फ 30 रुपये का एक है। केवल 30 रुपये का? तो ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत सस्ता दे रहे हैं? नहीं बाबूजी, क्या है समय महंगाई के समय आदमी इसको ही बोलता भी है बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हो। क्योंकि आपने हल्दी दही डाला, चटनी डाला और पापड़ी डाला, नमकीन डाला, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। हाँ जी, तो उसके हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये बहुत कम रेट है? नहीं बाबू जी, अभी तो मैं तो समझता हूँ ठीक है, तो हर आदमी मेहनत करता है। अच्छा। और मेहनत का पैसा ही अपने को मिलना चाहिए। अच्छा। और दूसरे का भी पैसा मेहनत का ही रहता है। ये पड़ जाता है आपको? हमको पड़ जाता है बाबू जी, आराम से पड़ जाता है। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शिवानी कौरव। अच्छा, शिवानी जी पहली बार आई हैं आप? नहीं नहीं, मुझे 3-4 बार आ चुकी। 3-4 बार इसी दुकान में आती हैं हमेशा? पक्का हमेशा? तो क्या रीज़न है इस दुकान में आने का? अच्छा लगता है अंकल का चाट। अच्छा लगता है अंकल का रवैया, अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा, नेचर भी अच्छा है उनका, और चाट का टेस्ट भी अच्छा। चाट का टेस्ट अच्छा है? तो केवल चाट खाने आते हो? हाँ, बस चाट। हाँ, और भी तो बहुत चीज़ें? और नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद, और इस शॉप की मतलब चाट बहुत अच्छा लगता है। चाट तो आप वीकली हफ्ते में आते रहते? हाँ, ऐसे 15-20 दिन में एक बार आना होता है। अच्छा, क्या खा रही हैं? चाट खा रही हैं? कैसा लग रहा है चाट? चाट अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा लग रहा है। हमेशा आती हैं यहाँ पे? हम लोग को कई साल हो गए। कई साल यहीं रहते हैं? जी हाँ, जबलपुर में। जबलपुर में तो यहाँ का स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा स्वाद है, भाई साहब का स्वभाव भी। हमें एक बात बताइए अंकल, जैसे यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जबलपुर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में ठेले चाट वगैरह के, फुल्की वगैरह के लगे ही रहते हैं, तो एग्जैक्टली में ऐसा क्या है चौपाटी में जो लोग यहीं आते हैं और यहीं पे चाट समोसा फुल्की? नहीं, यहाँ पे एक स्वादिष्ट वो मिलता है, और साफ़ सुथरा वातावरण है, स्वभाव भी उनका अच्छा है। अच्छा, बस यही बात है। यहाँ का स्वादिष्ट? अच्छा, स्वादिष्ट है। हाँ, यहाँ का बर्ताव देख के आते हैं? बर्ताव देख के आते हैं, उनका साफ सफाई, और जो ये चाट है ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, आप भी खाइए मेरी तरफ से। अच्छा, नहीं ना, धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, धन्यवाद आपका। तो अंकल एक बात बताएं, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया कि जबलपुर में बहुत सारी दुकान हैं, बहुत जगह दुकान है, तो यहाँ आपने बताया स्वाद है, ये स्वाद ही आपको वहाँ से खींच के यहाँ लाता है या और भी कुछ वजह है? जी हाँ, केवल स्वाद, स्वादिष्ट चाट खाने के लिए हम लोग। कहाँ से आए आप? वैसे अभी हम बेलबाग थाने के पास रहते हैं, तो वहाँ से आप भी खाइए चाट। अरे सर थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, तो हमेशा आते रहते हैं? जी हाँ। तो वहाँ से केवल चाट खाने यहाँ आते हैं? घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ चाट खाने आ जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से आते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हाँ चाट खाएंगे? अच्छा, आप बताइए। बिल्कुल यहीं इसलिए आते हैं। तो इसी उद्देश्य से आते हैं कि वहाँ जाएंगे तो चाट खाएंगे? बस चाट ही बस खाते हैं कि और कुछ? नहीं बस चाट। तो हमेशा आते हो आप यहाँ? मैंने भी एक आध बार महीने में। कितने साल से आ रहे हो आप यहाँ? एक दो साल से। इसके पहले नहीं आते थे? नहीं, हम लोग तो हॉस्टल रहने हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के नहीं हो आप? नहीं। अच्छा, ठीक है।